जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपल लिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इसराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। उत्पत्ति 26:14। जब उसके यानी कि इसहाक के भेड़ बकरियां गाय बैल बहुत दास दासियां हुई तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। आजकल जो इसराइल में चल रहा है ये बिल्कुल यही चीज है। जब इसहाक के पास बहुत कुछ हो गया यानी इसराइल के पास तो पलिश्ती उससे डाह कर रहे हैं। सो जितने कुओं को उसके पिता इब्राहिम के दासों ने इब्राहिम के जीते जी खोदा था उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। इन कुओं के लिए मेहनत इब्राहिम ने की थी और फिर उस पर हक था इसहाक का और अपनी जलन और डाह के कारण इसहाक के सभी कुओं को पलिश्ती भर देते हैं यानी मिट्टी से भर देते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब ये परमेश्वर के साथ वाचा में थे। लेकिन आज इसहाक के कैरेक्टर में एक विशेष बात को नोटिस कीजिए। अगली आयत में लिखा है, तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थ्य हो गया है। और इसहाक वहां से चला गया और गरार की तराई में तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे और इब्राहिम के मरने के पीछे पलिश्तियों ने भर दिए थे उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। इसहाक अपने पिता की इनहेरिटेंस को जिंदा रखे हुए है। लेकिन ये घटना एक बार दो बार नहीं कई बार घटती है और फिर इसहाक के दासों को उस तराई में उस वैली में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा कि ये जल हमारा है। तो उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा क्योंकि वहाँ वे उससे झगड़े थे, मतलब वहाँ पर उनकी लड़ाई हुई थी। इसलिए एक तरफ प्रॉस्पेरिटी से जल करके अबीमेलेक ने उसे भगा दिया है और जहाँ जहाँ इसहाक जा रहा है वहाँ जो भी मेहनत वो कर रहे हैं उस पर कोई ना कोई आता है और अपना अधिकार जमा कर कहता है कि ये पानी, ये जल, ये कुआं हमारा है। फिर लिखा है कि उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, सो उसने उसका नाम सित्रा रखा। ये इसहाक के जीवन परेशानियों का दौर था। उसे पता है कि वो वाचा वाला व्यक्ति है लेकिन फिर भी वो भटक रहा है। आगे आयत में लिखा है, तब उसने वहां से निकल करके एक और कुआं खुदवाया, उसके लिए उसने झगड़ा नहीं किया और उसका नाम ये कहकर रहोबोत रखा कि यहोवा ने हमारे लिए बहुत जगह दे दी है और अब हम इस देश में फूलेंगे फलेंगे। अगर हर विश्वासी ये बात समझ जाए कि उसके जीवन में जो भी घटनाएं परेशानी आ रही है और जो लोग इन परेशानियों को पैदा कर रहे हैं वो आगे आकर के एक दिन शर्मिंदा होंगे क्योंकि आप वाचा वाले व्यक्ति हैं और वो उनके साथ कोई नहीं है। अब इस गरार की तराई को छोड़ करके बेरशेबा को जाता है इसहाक और यहाँ पर परमेश्वर उसे दर्शन देते हैं। लिखा है, तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया और वहाँ इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। तब अबीमेलेक अपने मित्र अहुज्जत और अपने एक सेनापति पिकौल को लेकर के गरार में उसके पास आया। अब यहाँ पर अरसा बीत गया है और वही लोग फिर से लौट करके आए हैं और फिर सब बातों को ठीक करने की कोशिश करते हैं और ये सब इसलिए होता है क्योंकि अबीमेलेक ये देख पाता है कि परमेश्वर इसहाक के साथ है। दोस्तों, आपको भी इस बात को समझने की जरूरत है कि लोग जो जानते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं, जो आज हो सकता है कि आपकी बुराई में लगे हो, आपका बहुत कुछ छीन लिया हो, फिर भी आप परमेश्वर के लिए वेदी बनाते रहिए, उससे प्रार्थना में लगे रहिए, एक दिन वही लोग जिन्होंने आपसे मुंह फेरा है वो लौट करके आएंगे और आपसे ही कहेंगे कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए क्योंकि यहोवा परमेश्वर तो आपके साथ रहते हैं। इसहाक के साथ बुरा हुआ था लेकिन उसने कोई गुंडाई नहीं दिखाई। कुएं पर कुएं छिनते जा रहे थे लेकिन उसने लठैत नहीं रखे ताकि चरवाहों का या फिर उन लोगों का जो उससे छीन रहे थे सब कुछ सबके सर फोड़ दिए जाए। नहीं, उसे पता था कि वो एक वाचा वाला व्यक्ति है और परमेश्वर उसके साथ है। आने वाले समय में प्रभु आपके कैरेक्टर को देख करके आपको बढ़ाने जा रहे हैं और वो लोग जिन्होंने आपका लूटा खसोटा है वो आपके पास फिर आकर के सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे और प्रार्थना करवाएंगे आपसे। ऐसा ही हो, आमीन। सबको जय मसीह की।